तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पिजन एचएस। मैं हूं आपका दोस्त हुज़ैफ़ा सिद्दीकी, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो आज आप लोग देख सकते हैं ये हमारा लॉफ्ट है और मगरिब का टाइम हो चुका है, मतलब रात होने वाली है और एक कबूतर हमारे छत पे आके बैठा। आप लोग देख सकते हैं, दिख रहा है, तो देख सकते हैं आप लोग मौसम कैसा है, बादल कितना प्यारा है, मौसम कितना ही प्यारा है और बादल भी देखने में कितना ही अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही मौके पे एक कबूतर आके बैठा हमारे छत पे। हमारे छत पे जो क्या होता है कि कबूतर ज़्यादातर बैठा हुआ मिलता है, अगर कबूतर खुला रहेगा तो कबूतर कभी नहीं बैठता हमारी छत पे। और हम लोग बहुत ही कम कबूतर पकड़ पाते हैं क्योंकि आता ही नहीं कबूतर किसी का, कबूतर खुले रहेंगे तो आएगा नहीं। ऐसे ही रात में बसेरे के टाइम या कभी कोई कबूतर आके गलती से बैठ जाता है तो वही कबूतर सिर्फ हम लोग पकड़ पाते हैं, वही कबूतर हम लोगों को मिल पाता है। क्योंकि जाल, हम लोगों का जो लॉफ्ट है वो काफ़ी अलग टाइप का, इस वजह से जल्दी कबूतर नहीं बैठता है। आसमान आप लोग देख सकते हैं, बादल देख सकते हैं, कितने ही प्यारे लग रहे हैं ऑरेंज कलर में एकदम, आप देख सकते हैं। और चलिए अब हम आप लोगों को दिखाते हैं ये हमारा लॉफ्ट है अंदर से। अब इसमें से हम ये स्लाइडर को खोलेंगे और इसमें से हमने दो कबूतर पकड़ लिए। ये दो कबूतर को हमने बाहर छोड़ा, एक ये दूसरा, ये दोनों कबूतर ऊपर बैठ गए। अब क्या है कि अब हम स्लाइडर को खोल देंगे, स्लाइडर को खोलेंगे तो अपने आप ये कबूतर अब कबूतरों को देख के आगे आ जाएगा और रात का समय तो ये कबूतर भाग भी नहीं पाएगा। तो देखिए अब आप लोग ये देखिए, हम लोगों ने ये स्लाइडर खोला, स्लाइडर ये पीछे हमने भेजा, फंसता है थोड़ा स्लाइडर क्योंकि बारिश का समय हो गया है, इस वजह से जो स्लाइडर है वो थोड़ा सही से नहीं चल पाता। देख सकते हैं आप लोग, वो कोने में बैठा वो वाइट कलर का यही कबूतर है, कलचुचा कबूतर है, देखने में काफ़ी ही प्यारा लग रहा है। और अच्छा, जैसे कि ये कबूतर जब पकड़ लिया हमने तो इसके रंग भी लगा हुआ था हरा कलर का, तो वो भी आप लोगों को हम दिखाएंगे। तो देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा, अब इसको हम लोग डंडी से आगे करेंगे, पहले पीछे हम हटें, फिर इसको डंडी से आगे करेंगे और उतारेंगे, फिर जैसा होगा आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसा कबूतर है ये और कैसा है क्या नहीं है ये। अब हम ऊपर चढ़ गए, ये हमने डंडी उठाई, डंडी काफ़ी दूर पे रखी हुई तो ये डंडी उठाई। समझ लीजिए आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, एक हाथ से फ़ोन पकड़े हुए हैं और एक हाथ से डंडी, तो आप लोग हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, वीडियो को स्किप मत किया करिए। और आप लोग अगर हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। हम लोग बहुत ही नॉर्मली तरीके से कबूतर पकड़ में आ जाता है और जिसे जब आउट सीज़न होता है तो ज़्यादा कबूतर आता पकड़ने। देखिए एक कबूतर ये बैठा रह गया, ऐसा लग रहा है कि ये यही नया कबूतर है, यही नहीं उतर रहा। बाकी जो नया कबूतर आया था कलचुचा बेदाग कबूतर, वो बैठ गया, अंदर आ गया है, देख सकते हैं आप लोग ये सामने बैठा हुआ है, काफ़ी अच्छा कबूतर दिख रहा है। हमने फ्लैश लाइट ऑन कर दी अपने कैमरे की ताकि थोड़ा और साफ दिखे। देखिए सियान, देखिए कबूतर की, तो देखिए ये कैसे सियान दिखा रहा है कबूतर, एकदम हमको देखते ही आगे बढ़ गया। वैसे रात का समय, अब ये कहीं जा भी नहीं पाएगा, अब इसकी मजबूरी यहीं पे रहने की। और ये अब यहाँ पे आ गए तो अब इनको अंदर करेंगे लॉफ्ट के और आप लोगों को दिखाएंगे। बैठक देख सकते हैं, खड़ी बैठक का कबूतर काफ़ी अच्छा कबूतर दिख रहा है इसके, मेरे ख्याल से जो चोंच के पास थोड़ा रेड रेड भी, ये हमारा जो मेरा खुद का कबूतर था वो भी नीचे उतर गया। अब हम लोग स्लाइडर बंद करते हैं, पहले आप लोगों को एक कबूतर का शौक करा दी, रात का समय है आराम से पकड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कहीं नहीं जा पाएगा कबूतर। तो ये अब हम लोग स्लाइडर को बंद करते हैं, चलिए ये स्लाइडर को स्लाइडिंग करेंगे। कुछ ये बारिश की वजह से फंसने लगा है तो इसमें हम लोग कुछ ऑयल वगैरह डालेंगे जिससे ये और अच्छे से हो जाए। तो ये हमने स्लाइडर बंद किया, स्लाइडर पूरा सही से बंद भी नहीं हो पाता क्योंकि ये इतना जाम हो गया इस वजह से। देखिए वो कोने में भाग रहा कबूतर। अब हम लोग अपना लॉफ्ट खोलेंगे, जिस लॉफ्ट में ये दो कबूतर रहते हैं वही वाला लॉफ्ट खोलेंगे, उसी में ये भी अपने आप चला जाएगा, नहीं जाएगा तो अब ये अंदर तो आ ही गया है तो ये पकड़ में बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो चलिए ये हमने लॉफ्ट खोला और डंडी से इनको थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो ये खुद अपने आप अंदर आ जाएंगे, देख सकते हैं दो कबूतर खोले थे। ये कबूतर आप लोगों को कैसे लगे आप लोग इनका भी बताइएगा, इनका भी शौक कराया आप लोगों को हमने, देख सकते हैं ये बेदाग कबूतर काफ़ी ही अच्छा कबूतर है माशाल्लाह। और ये अगर रहेगा तो इंशाल्लाह आप लोगों को उड़ा के भी दिखाएंगे इस कबूतर को कि कैसा उड़ रहा है कैसा नहीं, काफ़ी मज़ेदार कबूतर है। देख सकते हैं आप लोग हरा रंग है, अरे इसको तो हमने एकदम डंडी से फंसा के गिरा दिया, अभी आराम से पकड़ में आ जाएगा हाथ में। ये पकड़ा हमने कबूतर को क्योंकि रात हो गई, कुछ दिख नहीं रहा अब इनको सही से, ये पकड़ा, देख सकते हैं आप लोग ये है कबूतर। कबूतर कैसा लगा आप लोगों को आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और ये कबूतर काफ़ी अच्छा है, इसके जो सर पे थोड़ा सा लालपन है और हरा रंग लगा हुआ है, बाकी आप लोग देख सकते हैं ये किस टाइप का कबूतर है।
आप लोगों को ऐसे कबूतर कैसे लगते हैं आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो चलिए अपनी वीडियो को अब हम यहीं से ख़त्म करते हैं।